हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइक्लोजी की दुनिया। मैं हूं सरिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड की। तो पहले पहला पार्ट दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है तो आप उसे ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, जिस पे हमने ऑलरेडी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में बात कर लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की और क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग की, और आगे हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप की, यानी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमेटिक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी हम पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे वो सिस्टमेटिक रूप से लेंगे, यानी व्यवस्थित रूप से लेंगे। जहां हम जो भी हम पहले से सूची तैयार करते हैं, जो भी एलिमेंट तैयार करते हैं, उसमें से हम उस सूची से हम हर एनवे व्यक्ति को ले लेते हैं। वो किस तरह लेते हैं तो चलिए हम जानते हैं। तो जैसे कि जैसे आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हर तीसरे व्यक्ति से हम पॉपुलेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सिस्टमेटिक हो गया। तो हम ऐसे पहले हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी व्यक्ति रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने 2 लिया है, तो उसके तीसरे नंबर को हमें लेना है, यानी 3 और 4 छोड़ के 5वें नंबर को हमने लिया। तो इसी तरह से हम एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। तो चलिए अब हम जानते हैं एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग को। तो एरिया सैम्पलिंग, जिसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं, जो मानचित्र पर भौगोलिक विभाजन के रूप में किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये तो हम आगे जानेंगे। तो इसका जो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो ये टाइप है, उसका उद्भव जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्चेज में हुआ था, लेकिन बिहेवियर साइंस में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसका प्रयोग जो है वो सर्वे रिसर्च में काफ़ी किया जाता है, जहां पॉपुलेशन बड़ा होता है और साथ ही साथ काफ़ी बड़े क्षेत्र में बिखरा हुआ होता है। ये क्लस्टर जो है वो भौगोलिक क्षेत्र, जैसे स्कूल, घर या कोई अनपहचान योग्य समूह भी हो सकता है। एरिया सैम्पलिंग में जीव संख्या की कई इकाइयों में से कुछ इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन कर लेते हैं, फिर उस इकाई से हम फिर कुछ और व्यक्ति का यादृच्छिक ढंग से चयन कर लेते हैं। यानी हमें जितनी सैंपल की ज़रूरत है उतना हम उसको छोटा करते जाते हैं। तो चलिए हम इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी शोधकर्ता को किसी राज्य के लोगों की राजनीतिक मनोवृत्ति का अध्ययन करना है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए यह संभव तो नहीं होगा कि पूरे राज्य को ले पूरे राज्य का आकलन करें। तो इसमें एरिया सैम्पलिंग का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए 20 जिला है, ठीक है, तो 20 जिला को तो हम नहीं ले लेंगे, उसमें से हम रैंडमली 5 जिला को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उस 5ों जिलों में जाके हम इंटरव्यू लेंगे, यानी उससे सर्वे करेंगे। अगर मान लीजिए कि उस 5 जिला में से कोई भी जिला जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें 10 सब डिवीज़न है, तो उस 10 में से हम कुछ को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे उसमें से भी हम 5 या 4 को सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें से हम सर्वे करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सैंपल के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। तो ये था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो हमने बात किया क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। तो अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या क्या है। तो इसमें है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये जो चारों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।